फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डे बाई डे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है हमारी लाइफ में, तो मैं सर से पूछना चाहूँगी कि हम कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी डे बाई डे लाइफ में। बिल्कुल नूतन, थैंक यू वेरी मच कि मुझे ये टॉपिक बोलने का मौका मिला। देखिए, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आज के दौर में वाकई में बहुत बढ़ती जा रही है। चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम कॉलेजेट हो, चाहे हम हाउसवाइफ और बिजनेस प्रोफेशनल्स, हम किसी भी कैटेगरी में हो, हमें पता है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को सीखने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे इंटरनेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बुक्स आर द बेस्ट ऑप्शन, एंड यू कैन गो फॉर मेंटरशिप ऑल्सो। आप एक अच्छा मेंटर ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आप इंग्लिश अपने आप की इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकते हैं। यस सर। सर, कई बार हम सीखते हैं, कई क्लासेस में जाते हैं, ओके, कुछ टाइम बाद में हम बोरिंग होने लग जाते हैं और पता नहीं चलता भी आगे क्या करें हम। ओके, तो और कई बार सर हमारा इंटरेस्ट खो देते हैं। हाँ। क्योंकि शुरू में बड़ा चार्म रहता है कि हमें इंग्लिश आ रही है या आ रही, बट लेटर ऑन हम अपना चार्म खो देते हैं। एक्चुअली हम जो चार्म खोते हैं उसका रीजन एक ही होता है सर, जैसे आपने बोला हम किसी क्लास में जाते हैं और हम वहाँ पर बोर होने लग जाते हैं थोड़े टाइम में। तो जब हम बोर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्टडी पैटर्न है उसमें स्टडीनेस आ गई है, वो रुक गया है वहाँ पर। रुकने का मतलब ये है कि हम वहाँ खड़े नहीं हैं, हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमें अब और गति से भागना है जो हम नहीं भाग रहे हैं। अच्छा, अगर हम गति से नहीं भागेंगे तो हम उसी पैटर्न पे रहेंगे, फिर हमारी कमजोरियां आती रहती हैं सामने और हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि हमें, जब हमें लगने लग जाए कि हम बोर हो रहे, तो हमें अपना पैटर्न बदलना चाहिए, हमें अपना वे चेंज करना चाहिए। जैसे हम बहुत से लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ टीचर ही बताए हमें, हम सुनते रहें। हाँ, एक लेवल आता है, उसके बाद हम बोर क्यों होते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि हमारा मन अंदर से करता है कि हम कुछ और करें। अब अच्छा वो करते हम है नहीं, हम वेट करते हैं कि टीचर हमें कुछ बताए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टीचर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि सर मैं अब दूसरे लेवल पे आना चाहता हूँ, एटलीस्ट अगर मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस बात को तो मैं भी समझाना चाहता हूँ। तो जब तक आप समझ रहे थे आपको इंटरेस्ट आ रहा था, मगर अब आप समझते समझते बोर हो गए तो आप समझाना शुरू कीजिए। That is the best way to speak English better way. Excuse me sir, जैसे जो कोई job करने वाला person है, okay, उसपे time कम है, तो वो अपनी कैसी habit बनाए रोज की कि उसका English जल्दी improve हो जाए, time थोड़ा लगे और उसमें अपना English ज़्यादा improve हो। Okay, बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो लोग job वगैरह कर रहे हैं उन लोगों के पास इतने time भी नहीं होता कि वो English regular कर सके, सीख सके, और उनको सीखनी भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि ड्यूरिंग जॉब क्या होता है, हम जब अपना जॉब प्रोफाइल करते हैं उस समय हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि हम उस समय भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आज 185 लेक्चर्स दे रखे हैं। जब हमारा कोई भी कैंडिडेट कहीं भी फ्री होता है, चाहे इवनिंग में हो, चाहे मॉर्निंग में, चाहे नाइट के 12 बजे रात को अगर वो फ्री है, तो वो क्या करता है, चैनल पर हमारा लेक्चर लगा लेता है, 10 मिनट 15 मिनट सुनता है। ऑलमोस्ट उसको ये लगता है कि हाँ मैं सर की क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ पीडी क्लासेस पे, और वो सीखता होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये अच्छा एस्पेक्ट है, ये एक अच्छा नॉलेज गेनिंग प्रोसेस है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा बहुत से ऐप्स आ गए हैं मार्केट में, तो आप उन ऐप्स को यूज़ कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे ऐप्स। अगर आप उन ऐप्स के द्वारा भी प्रैक्टिस में लाते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, एक जॉब करने वाले पर्सन के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो प्रोग्रेस करना चाहेगा, और जब प्रोग्रेस करने जाएगा उस समय उसको रियलाइज होती है बात कि हाँ हाँ मुझे इंग्लिश कितनी ज़्यादा जरूरी थी। तो मेरा मानना है कि उसके लिए तो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है, और उसको तो अपना 100% डिवोशन करना ही चाहिए ऐसी स्पीकिंग क्लासेस के लिए। ओके, बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत सी हाउसवाइफ भी शायद इस लेक्चर को देख रही होगी, तो मैं ये कहूँगा कि हाउसवाइफ के लिए देखिए, उनको वो जब अपने हाउस होल्ड को सारा समय दे रही है, वो अपने घर को सारा टाइम दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा एटलीस्ट 1 आवर एक अच्छी मेंटरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, एक अच्छी जगह पर जहाँ उनको सेटिस्फेक्शन मिले। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ पीटी क्लासेस ही आना चाहिए, वो लेवल में किसी भी जगह पर है, किसी भी शहर में है, उनको एक अच्छी मेंटरशिप ढूंढनी चाहिए। और जब उनको एक अच्छा मेंटर वाकई में मिल जाएगी, हाँ ही इज़ द राइट मेंटर जो मुझे वाकई में डेवलप करेगा, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेयर करना चाहिए, थोड़ी अपनी एनर्जी लगानी चाहिए स्पीकिंग के अंदर, मगर स्टिल नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, और वो घर आकर अपने बच्चों या अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड के साथ उसको शेयर करें। जब वो शेयर करती है तो उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। हम बहुत से लोग क्लासेस में जाते हैं मगर घर आके इवन अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ शेयर नहीं करते, तो वो गलत है। सबसे बढ़िया रोल यही है कि अगर आप प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को, उन स्पीकिंग वर्ड्स को, तो आप घर पे अपने मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर को वो चीज़ सिखाइए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश।
बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद में भी कई बार अटकने वाली प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती okay. या फिर बीच में जो गैप बीच में बसता है कुछ रटाफिकेशन वर्ड्स okay. वगैरह यूज किए जा सकते हैं okay. जिससे अब स्मूथ वोकैबुलरी चलते रहे। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने एक वर्ड यूज़ किया रटाफिकेशन, तो आज के दौर में उसको रटाफिकेशन बोलते जरूर है, मगर वो एक इंग्लिश वर्ड है। मैं ये कहूँगा कि उसे क्रैमिंग बोला जाता है इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर। तो जो क्रैमिंग जो वर्ड्स है, जो वोकैबुलरी आप बात कर रहे हैं, वो अनलिमिटेड है। देखा जाए तो देखिए, हमारे घर पर डिक्शनरी भी होती है, अनलिमिटेड डिक्शनरी। तो हमारा ये मानना है कि हम डेली ऑन एंड एवरेज अगर कुछ वर्ड लिस्ट या वोकैबुलरी लर्नअप करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस में लाना शुरू करते हैं, सबसे बड़ी बात है। जैसे हम कोई भी वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं लाइफ के अंदर, ऑफ एंड ऑन वगैरह वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, तो उनको अगर उनको अपनी डिक्शनरी में पैटर्न स्पीकिंग डिक्शनरी के अंदर ले आएँ तो हमारी वोकैबुलरी डेवलप हो सकती है। अगर हम ये सोचें रोज़ हम 10 वर्ड याद कर लें और हम घर चले आएँ फिर अगले दिन 10 वर्ड, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो वर्ड याद किए हैं उन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस में लाइए, उनको आप बोलिए कहीं ना कहीं। अच्छा, आप बोल नहीं सकते, आपको मौका नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी को समझा दीजिए घर जाकर कि भाई इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आपको मिरर तो मिल रहा है, आपने मिरर को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, कुछ भी करके उसको प्रैक्टिस में लाइए, फिर देखिए आपकी इंग्लिश कितनी ज़्यादा बढ़िया और ग्लैमरस हो जाएगी। सर, फ्लुएंट इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं कि मैं फ्लुएंट मतलब फास्ट इंग्लिश बोल सकूं, okay. तो उसके लिए मैं कौन कौन से आप पार्ट अपना सकता हूं कि कैसा? बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश के लिए वैसे तो मैंने अपने लेक्चर्स भी यूट्यूब में दिए हैं, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स, मगर यहां पर अगर मेरे ऑडियंस मुझे देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, फ्लुएंट इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश के बेसिक सीखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से है। हाँ, अगर आप ABC बोलते हैं तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा आप ABC शुरू कर सकते हैं। आप उसका पैटर्न देखिए कि ये बोल कैसे रहे। मैं एकदम से आपको जंपअप करने के लिए नहीं कहूँगा कि आप एकदम से फ्लुएंट हो जाओ, नहीं। आप क्या करिए, आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। आप ये मत देखो कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप बोलिए। इवन आप कुछ कुछ वर्ड बनाकर जोड़ जोड़ के बोलिए, धीरे धीरे क्या होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रामर सीखो एकदम से स्ट्रक्चर से, नहीं, इट टेक्स टाइम। पर स्पीकिंग का जो डर है वो हट जाएगा आपका, आप थोड़े थोड़े वर्ड स्पीकिंग करने लग जाओ, चाहे कम बोलो चाहे गलत बोलो, कोई बात नहीं। आप कैन कीजिएगा शुड बोलो, शुड कीजिएगा कैन, कोई भी वर्ड ऐड कर रहे हो आप बोलिए। जब आप बोलते हो तो धीरे धीरे आप पैटर्न साथ साथ अपना ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए एक अच्छे मेंटर के साथ में। जब आप एक मेंटर के साथ चलोगे और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करे जा रहे हो तो धीरे धीरे जब आप कोरिलेट करोगे अपनी लाइफ में अपने वर्ड्स को, तो जैसे मेरे पास एक बच्चा आया था, एक बार एक स्टूडेंट आई मेरे पास और वो मुझे बोली कि सर आई बिलोंग्स टू बीकानेर। तो मैंने उनको बोला मैडम आई बिलोंग्स टू नहीं होता है, आई बिलोंग टू होता है। तो कहते सर ऐसा क्यों, मैंने तो पूरी लाइफ बिलोंग्स ही बोले हैं, मुझे अच्छा लगता है बिलोंग्स बोलना। मैंने कहा देखो ग्रामेटिकली गलत है, जिस दिन आपको पता लग जाएगा उस दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसमें मैं नेम करूंगा यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को, देखने वाले व्यूअर्स को, कि 12 तरीके के टेंसेज होते हैं, मगर वहाँ पर आप अपनी लाइफ को रोकिए मत, क्योंकि जब टेंसेज की दुनिया खत्म होती है तो स्ट्रक्चर्स की दुनिया शुरू होती है और स्ट्रक्चर्स अनलिमिटेड है। तो आप स्ट्रक्चर्स के ऊपर एनर्जी लगाना शुरू करो अपनी, और जब आप स्ट्रक्चर्स के ऊपर एनर्जी लगाओगे तो आपको रियलाइज होगा कितनी ज़्यादा इंग्लिश एक्यूरेट लेवल पे बोली जा सकती है। हाँ, फ्लुएंट इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश का मुझसे पूछ रहे हैं तो आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, धीरे 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 स्लोली यू बिकम फ्लुएंट। ऐसा नहीं कि वन डे मिरेकल होगा, मगर दिन जरूर आएगा जिस दिन आप बहुत अच्छे फ्लुएंट स्पीकर हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक अच्छा पार्टनर कैसे ढूंढें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए? कई बार हम बोलना चाहते हैं लेकिन हमें कोई सही ढंग से सामने हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है सर, जैसे अपना आपने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढा था, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आपको जरूर अपनी पार्टनरशिप मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और जेंडर मत देखना, ऑपोजिट जेंडर और सेम जेंडर डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि वो आपके जितना डेडिकेट कितना है, वो सामने वाला पर्सन आपके जितना डेडिकेट है तो शायद आपकी बहुत अच्छी लिख जाएगी। द रीज़न इज ओनली वन कि आपके वो इवन टेलीफोनिक फ्रेंड हो तो भी चलेंगे, इवन आप फेस टू फेस मिल रहे हो कोई भी, कोई क्लास में, स्कूल में, वेरेवर यू आर प्रेजेंटली, तो डजंट मैटर आपके ऑफिस के अंदर, आप कहीं ना कहीं एक अच्छे पार्टनर्स जरूर ढूंढिए। और मैं कहूँगा आप एक पार्टनर मत ढूंढिए, आप 4 पार्टनर्स, आप 5 पार्टनर्स, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट, कई बार कोई पार्टनर आपका बिजी होता है, अपनी अपनी लाइफ है सबकी, कहीं कोई बिजी हो गया, कहीं 10 दिन के लिए, कहीं 12 दिन के लिए कोई चला गया, तो आप स्टिल हो जाओगे। तो आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी रेस को रनअप रखना है। और आप बहुत अच्छे जानते हैं कि एक अच्छे पार्टनर के साथ अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो क्यों ना आप एक अच्छे पार्टनर्स ढूंढिए, और एक पार्टनर ढूंढने के बाद आप एक और पार्टनर ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके पास ये कमी नहीं है कि इंग्लिश स्पीकर वाले लवेबल लोग नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जो इंग्लिश को लव करते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप जब उनको हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको बहुत अच्छा फील होगा और आई बिलीव दे विल बी वेरी थैंकफुल टू यू आल्सो। सर, जैसा कि आपके 180 लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, yes. तो अपने उसको देख के भी इंग्लिश प्रॉपर सीख सकते हैं या कोई और भी? मैं सजेस्ट करूंगा मेरे उन लोगों को जो मेरे से बहुत दूर है इस समय, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो ऑल इंडिया या आउट ऑफ इंडिया भी देखे जाते हैं, इवन मेरे पास पाकिस्तान लोगों की भी बातें आ जाती है, बांग्लादेश वालों की भी आती है, इवन USA वाले लोग भी मेरे वीडियोस को जब देखते हैं। तो मैं उन लोगों से एक ही बात बोलूंगा जो भी मेरे इंग्लिश वीडियोस हैं, तो अगर आप उन लोगों को प्रैक्टिस में लाओ, और खास करके
हमारे वाली कंट्रीज जैसे एशियन कंट्रीज जो है जहाँ पर इंग्लिश की वाकई में डिमांड है, क्योंकि फॉरेन वगैरह वाले लोग इसलिए देते हैं क्योंकि इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करनी होती है, इन दोज आई एम गिविंग एन इंग्लिश इंटरव्यूज ऑल्सो, बट फॉर हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग उनको जरूरी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे एरिए के लोग एटलीस्ट जो मेरे पार्टनर्स है, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, या हमारे देश के अंदर जो वेरियस पार्ट्स है जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शन भी नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि देखिए ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है। अगर आपने 180 मेरे लेक्चर्स बोले तो मैं बोलूंगा 185 हो चुके हैं और हर दिन एक नया लेक्चर बढ़ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि उन लेक्चर्स को प्लीज़ गो थ्रू होइए और उन लेक्चर्स की तरह बोल के देखिए, क्योंकि मैंने बहुत से अपने लेक्चर्स इंग्लिश में ही दिए। अगर आप उन लेक्चर्स को प्रैक्टिस में लाते हो अपनी स्पीकिंग में तो डेफिनेटली यू विल बी ग्रूम्ड अप वेरी सून। इंग्लिश सर बोलने में समझ तो आ जाती है बट बोलने में प्रॉब्लम होती है। ओके okay, आपको लगता है कि सर इंग्लिश मुझसे समझ तो आ रही है कोई मुझसे बात कर रहा है तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को लाइंस नहीं बन रही। हाँ लाइंस नहीं बन रही, तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी लाइनों की जगह छोटी लाइनें बोलिए। आप ये मत बोलिए कि आई एट एन एप्पल विच इज़ वेरी डिलीशियस, आप ऐसे इतनी लाइन मत बोलिए, आई जस्ट बोले आई एट एप्पल, यहाँ तक भी चलेगा, आई ईट एप्पल ये भी चलेगा। आप छोटी लाइन्स लाइन्स को कट कीजिए और छोटा छोटा बोलिए। आप ये बात देखिए, देखो आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ इंग्लिश और हिंदी में, कि देखिए बहुत से लोग इंग्लिश सीखने निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हिंदी को डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो एक गोल्डन रूल सीख लो आप आज के बाद, शायद आपके बहुत काम आएगा आप सबके और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके भी बहुत काम आएगा। वो गोल्डन रूल ये है कि देखिए जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमने बोला मैं एप्पल खाता हूँ, तो हमने देखा मैं पहले सब्जेक्ट आ गया, खाना क्या हो गया मैं एप्पल, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, और खाना क्या हो गया खाना वर्ब हो गई। तो हमने हिंदी के अंदर ये नोटिस किया है कि पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है, मगर इंग्लिश के अंदर ये रूल नहीं एप्लीकेबल। बच्चे क्या करते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो क्या करते हैं एज इट इज इंग्लिश बनाते हैं, तो गलत होगी लाइन। अब हम जब इसको बनाएंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे आई एप्पल ईट, हम क्या बोलेंगे आई ईट एन एप्पल। तो हमने नोटिस किया कि इंग्लिश के अंदर ये गोल्डन रूल हम हमेशा अपने माइंड के अंदर रखें कि वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आएगी और हिंदी के अंदर वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। अगर हम ये पॉइंट अपने दिमाग के अंदर रखें तो काफ़ी कुछ पार्ट हम इंग्लिश का ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं कि हमें वर्ब पहले रखनी है। सर जैसा कि आपने कहा था कि आपने एक लेक्चर में बताया था कि इंग्लिश में सोचना चाहिए okay. अगर उन्होंने इंग्लिश में बोलना है अच्छा okay. तो इंग्लिश में ही सोचना चाहिए, जबकि हमें तो इंग्लिश आती नहीं तो कैसे सोचेंगे उसको। बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपने एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पुटअप किया और मैंने कई बार अपने लेक्चर्स के अंदर बोला भी है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो आप इंग्लिश में सोचिए। अब सही बात है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे सोचोगे, बिल्कुल सही बात है। तो आप एटलीस्ट जब आपको मालूम है आपका जो ब्रेन है वो पिक्चर्स में सोचता है, वर्ड्स में कभी नहीं सोचता। ये बात मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाया है कि सर हमें वर्ड्स नहीं पिक्चर्स में जल्दी समझ आता है। अच्छा तो क्या होता है हमारा जो ब्रेन है उसके लिए मैं ये कहूँगा आपको कि जब आप मुझे बोलते हो कि सर मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, तो बस आप ये बात अपने ब्रेन के अंदर रखिए कि मेरा को पिक्चर्स बना के सीखनी है। तो पिक्चर्स के वर्ड्स लीजिए आप, जैसे आपको बोलना है आपको ये सोचना है कि यार आज है ना मैंने एप्पल नहीं खाया, तो आपने काफ़ी वर्ड ऑलरेडी एक वर्ड यूज़ कर लिया एप्पल, तो फिर आपको पता है खाने को ईट कहते हैं, तो आए अब आप बोलिए कि मैंने यार एप्पल नहीं खाया, आई हैवंट ईटन एन एप्पल। अब आपको ये नहीं बोला जा रहा तो कोई बात नहीं, आई नॉट ईट एप्पल तो भी चलेगा क्योंकि आपने वर्ड्स तो इंग्लिश के यूज़ किए हैं, कोई बात नहीं, ग्रामेटिकली तो मिस्टेक है, आई तो कल सही हो जाएगा, मगर आपको ये तो पता ना कि मैं को क्या कहते हैं तुमको क्या कहते हैं और एप्पल को एप्पल कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी वर्ड लिस्ट लगभग ठीक होती है। अगर मैं बोलूँ ये क्या है तो आप एकदम से बोल दोगे सर टेबल है, राइट। अगर मैं बोलूँ ये क्या है तो आप क्या बोलोगे शर्ट है। अगर मैं अपनी बेल्ट की तरफ हाथ रखूँ तो आप क्या बोलोगे बेल्ट। आप इसको कमर पेटी का कभी नहीं बोलोगे, मगर इसको हिंदी में कमर पेटी का बोला जाता है जो हम सहज सोचते भी। तो हमने नोटिस किया हम बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हमारे घर के पेरेंट्स भी बोलते थे भाई नेल्स काट लो, तो हमने कभी नाखून बहुत कम वर्ड यूज़ करने लग गए हैं, शेव कर लो सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे कि ऑलरेडी आप बहुत से वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहे हो अपनी डिक्शनरी के अंदर, तो इट इज़ गुड। बस उसको सोच में और ले आओ थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करके तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा आप कंटिन्यूटी इंग्लिश के अंदर सोचिए, थोड़े थोड़े पार्ट्स के अंदर सोचिए आप इंग्लिश में बोलने लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर जब हम बोलते हैं राइट तब गैप को खत्म करने के लिए कई बार यूज किया जाता है आई नो आई थिंक, ये ओके ओके यस यस ये बिल्कुल ओके है फ्रेंड। एक्चुअली क्या होता है कई बार हमें ये हेल्पिंग एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये वो वर्ड्स है जो हमें हेल्प करते हैं जो हमारी कंटिन्यूटी बनाते हैं। आज मान लीजिए आप लेक्चर दे रहे हैं ठीक है, और आज आप लेक्चर देते देते अचानक आपको एक ब्रेक लेना है तो उस समय आप बिल्कुल चुप होइए तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता क्योंकि ऑडियंस इतने में फैल जाते हैं। तो आपका क्या मीनिंग आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास एक ही होना चाहिए बात कि आप कोई ना कोई वर्ड एड ऑन करते जाओ, जैसे आफ्टर दैट आई नो फ्रेंड्स यस यस आई थिंक दिस मे हैपन आई थिंक ओ लाइक यू विल यूज सम हेल्पिंग पर्टिकुलर वर्ड्स लिस्ट। उससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन बना रहेगा, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट बहुत ज़्यादा भी ये यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी रिदम लंबी नहीं करनी चाहिए। कई लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दैट तो वो गलत है,
तो दैट तो आपको दैट ही बोलना है, बट हाँ ये है कि आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो, जैसे आई थिंक, आई प्रिटेंड, आई कंटेंट, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो आप उस दौरान भी इन चीजों को यूज कर सकते हो और अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। सर इस टॉपिक पर भी एक लेक्चर बन सकता है आगे के लिए कि भैया हम ऐसे से कौन से वर्ड हैं जो बीच में यूज कर सकते हैं जो अपने गैप को खत्म करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे ऑडियंस को कहना चाहूंगा और इवन आपको भी कहना चाहूंगा कि मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है और ये लेक्चर आप लोग हमारे पुराने वीडियोस में जाइएगा, आपको ये वीडियो मिलेगा हमारा। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को यूज़ किया है कहीं ना कहीं, और मुझे रिकॉल तो नहीं है कि 100 में से या 185 में से कौन सा लेक्चर है, मगर हाँ मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा है कि काफ़ी 6 months बैक मैंने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया था कि क्या वर्ड्स होने चाहिए जो हम जब भूल जाएं इंग्लिश या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम स्टेज पे खड़े हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने इंग्लिश को कितने टाइम में सीख सकते हैं, अगर मान लो पूरे टाइम लगाएं तो कितना टाइम में इंग्लिश को प्रॉपर सीखा जा सकता है। ओके, देखिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही गाइड करूँगा कि अगर आप सच्ची में इंग्लिश की दुनिया में एंटर होते हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम 6 months लगेंगे। आप सोच के चलते हैं कि भाई आप कोई 1 month की स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और आपकी इंग्लिश होती है, हाँ इम्प्रूवमेंट होगी, मगर आपको अगर परफेक्शन लाना है अपने अंदर तो आपको लगेगा टाइम। आप ये सोचें कि मैं 2 महीने के अंदर बहुत बेस्ट बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं पॉसिबल, इट टेक्स टाइम। हमने बहुत सी जगह देखे होंगे हॉर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, 90 घंटों में अंग्रेजी सीखिए, 10 दिनों में अंग्रेजी सीखिए, 20 दिनों में अंग्रेजी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उन ऑडियंस से कि प्लीज़ प्लीज़ आप उससे ब्लफ ना होइए और आपको टाइम लगेगा, ये बात आप मान के चलिए, पर आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि अगर मैंने आपको 6 months बोले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़े और 20 दिन बाद में पढ़े, वो गैप अगर आ गया ना तो आप 2 दिन पीछे चले जाते हो, तो आप गैप बता ले दो अपनी स्पीकिंग के अंदर। डेली की प्रैक्टिस करो, जब आप डेली की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे वीडियोस में भी जो मेरे से नहीं मिल पाते कभी भी, पर मेरे से टेलीफोनिकली बात करते हैं, और उन लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये मेरे वीडियोस वगैरह आप कंटिन्यूटी देखो, तो मेरा जब भी वीडियो आता है वो जरूर देखते हैं, और वो इस बात को मानते भी कि सर हर बार ना हमें कुछ ना कुछ नॉलेज गेन ही हुआ है और हमें आपके वीडियो से बेनिफिट ही मिला है। सर इन्हें अगर आप अपने इंग्लिश को रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो फॉरगेट भी हो जाते हैं थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ, तो उन दिनों की बात है कि मेरी वाइफ मेरी स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ती थी, तो मैं अपनी वाइफ को का लेक्चर एक बार करवाया स्पीकिंग के अंदर। मैंने जब अपनी वाइफ का लेक्चर करवाया तो उन्होंने बोलना शुरू किया, जब उन्होंने प्रैक्टिस में लाए वो इंग्लिश तो हमने नोटिस किया कि वो इंग्लिश में लेक्चर देने लगे, मगर हमने क्या किया उन्होंने बोलने के बाद एक बार छोड़ दी वो चीज़, और जब उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी उसके बाद में वो वापस से जब करीबन 1-1.5 साल बाद में उन्होंने फिर प्रैक्टिस किया तो मैंने नोटिस किया कि उनकी इंग्लिश एकदम गुम हो चुकी थी। रीज़न यही था उन्होंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की और उन्होंने जस्ट जो उन्होंने कर रखा था उसी के ऊपर वो वर्क करते रहे, तो और वो अपने हाउस होल्ड वर्क के अंदर बिजी हो गए। अच्छा, इंग्लिश को उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया, जब उन्होंने बोलने लगे तो वो खुद अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने लगे। तो मैं खुद इस बात से एग्री करता हूँ आपकी कि ये बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का इंग्लिश, अगर आप इसको मेंटेन करोगे तभी ये रहेगी। अगर आपने इसको छोड़ दिया, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम 1-2 साल ना करें तो हम वापस उसी बॉडी में आ जाते हैं जो हमारी होती है, अगर हम रेगुलर करेंगे तभी हमारी बॉडी फिट रहेगी। तो वही हमारी इस बात के अंदर रहती है कि अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं तभी हमारी इंग्लिश अच्छी रहती है। सर वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए वोकैबुलरी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। मैं कहूँगा वोकैबुलरी अबंडेंट होनी चाहिए। अगर आप रोज के 10 वर्ड करते हो तो कम है आप 20 करो, अगर आप कहते हो सर मैं 20 कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कम है आप 40 करो, आप कहते हो सर मैं 40 कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा 80 करो, क्योंकि वोकैब अनडिपेंड मैं कहूँगा अनलिमिटेड होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। 10,000 words तो आपके टेस्ट पे होने चाहिए। रूटीन की लाइफ के अंदर मैं इसको लिमिट दूंगा 2,000-5,000 words के अंदर। अगर आप 2,000-5,000 words को भी अगर रिकॉल हमेशा रखो, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को, मैं ये नहीं कहूँगा कम बोरिंग वर्ड्स को अगर आप गिनते हो तो ऐसा नहीं है, अच्छी स्ट्रॉन्गली इसको अगर आप 2,000-5,000 words भी अगर रिकॉल रखते हो अपने ब्रेन के अंदर, और रिकॉल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको याद करो ना जरूरी नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस में लाओ, आप डे टू डे बोलो, जैसे हम बोलते हैं भाई ये काम डिले हो रहा है तो उसकी जगह आप प्रोक्रास्टिनेट वर्ड यूज करो, बहुत अच्छा लगता है। हम बोलते हैं कोई ये पर्सन भाई बहुत उदार है तो जेनरस है, तो जेनरस वर्ड आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना भी और बोलना भी, मगर हमने इसको देखा देखा है मगर इसको प्रैक्टिस में कभी नहीं लाए, तो आप किसी के लिए यूज़ कर दिया यू आर ए जेनरस पर्सनैलिटी यार, तो बहुत उदार आदमी हो तुम यार, तो आपने नोटिस किया एक ऑसम वर्ड बहुत चल रहा है ट्रेंड में है तो आप ऑसम वर्ड यूज़ कर सकते हो, यू आर लुकिंग ऑसम सर। अगर कोई बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके आया है कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसके लिए यूज़ कीजिए यू आर लुकिंग ऑसम, तो ही विल फील गुड। माइंड ब्लोइंग बिल्कुल आप ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए, और मैं कहूँगा और भी बहुत वर्ड्स है जो हमारी वोकैब को बिल्डअप कर सकते हैं। सर जैसा कि देख रहे हैं कि इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत है जो सीखने जिसके लिए इंग्लिश के लिए जरूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो सारे ग्रामेटिकल पोर्शन करने जरूरी है अगर
बोलना है इंग्लिश तो बिल्कुल साहब की बात सही है। देखिए वैसे तो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर, अगर आप बोलते हो 185 मिनट पुराने लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी ग्रामर डाल दी है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब मैंने सब कुछ डाला है, आप देखिए सीखिए, बिल्कुल सही बात है। बट जब आप मुझसे कहते हैं सर क्या ये जरूरी है, तो मैं कहूँगा जरूरी है, रीजन इज ओनली वन। जब आप इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, देखिए जब आप इंप्रेशन डालने चले और आपने बिल्कुल एक भी छोटी सी मिस्टेक कर दी, आप सब सही बोल रहे हैं मगर एक मिस्टेक बहुत ब्लंडर कर दी आपने, जब आप वो ब्लंडर कर देते हो तो बाकी सारी आपकी गुड थिंग्स हट जाती है। बिल्कुल एग्जांपल जैसे हम ड्राइविंग को लेते हैं, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमने नोटिस किया कि जब हम ड्राइविंग करने निकले हैं तो हमने बहुत अच्छी ड्राइविंग करी, मगर पूरा दिन हम अच्छी ड्राइविंग करें मगर इवनिंग में हमने किसी ट्रक के मार दिया, तो हमारी आज तक की लाइफ की ड्राइविंग खराब गई। लोग हमें ये नहीं कहेंगे आप एक अच्छे ड्राइविंग थे, अब लोग कहेंगे भाई आपको ड्राइविंग नहीं आती, लोग ये नहीं कहेंगे कि आप आज तक अच्छा कर रहे थे, मैटर नहीं करता। तो लाइफ भी ऐसी चलती है, इंग्लिश स्पीकिंग भी ऐसी चलती है कि हमारी एक गलती लोग जल्दी देखेंगे बजाय हमारी अच्छी चीज़। इवन हमने बहुत अच्छी ड्रेसिंग डाली हुई है, इवन हमारी अगर शर्ट में एक स्पॉट है तो लोगों को वो स्पॉट जल्दी दिख रहा है, ना कि आपकी ओवरऑल ड्रेसिंग दिख रही है। ये दुनिया है, इसको ऐसा मानना है। तो वही इंग्लिश में है, जब हम इंग्लिश किसी निकले ही जब सीखने के लिए तो मैं ये मानूंगा कि आप ए टू जेड ही सीखिए, वो बेस्ट है। अपने आप को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि कल आपको भी कॉम्पीट भी करना पड़े, हालांकि कॉम्पीट अपने आप को करना नहीं चाहिए किसी और से, आपको उसे यही कहना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं तुम आगे हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप कितना आगे हो, पर ये रहना चाहिए कि आप इस बात के लिए हमेशा तैयार भी रहो अपने आप को कि आपको कल कॉम्पीट करता है तो आपके पास इतना अबंडेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि आदमी आपके पास आए ही ना कॉम्पिटिशन करने के लिए, उसको मालूम हो कि यार इस पर्सन से कॉम्पिटिशन का मतलब है हमारी हार, तो ना ही हम इससे कॉम्पीट करें। सर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, जबकि हम जानते हैं हमें आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता बोलने का। ओके, यहाँ पर मैं नूतन से रिक्वेस्ट करूंगा, नूतन आपने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया था, जैसे आपने मिरर एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस में लाए थे, तो आप किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हो? डेली डे टू डे रूटीन में यूज करके इंग्लिश के वर्ड्स, ओके, एंड मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज, तो मिरर एक्सरसाइज स्टूडेंट्स में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं और आप इवन अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हो तो आप मिरर एक्सरसाइज प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। मिरर एक्सरसाइज हमारी हम ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में दे चुके हैं, आप उनको गो थ्रू, अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो मैं आपको बता दूं कि मिरर एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, जिसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें हम बोलते हैं कि आई, अगर नूतन को बोलना है तो आई नूतन इज द ओनली पर्सन हु कैन डेवलप हिम और हरसेल्फ, अब ये गर्ल है तो हरसेल्फ भी बोलेंगे, डेवलप हरसेल्फ, द हेल्प आई गेट फ्रॉम अदर्स इज बोनस हेल्प, दूसरों द्वारा दी गई हेल्प मेरे लिए बोनस हेल्प होगी, दिस इज सो बिकॉज अनलेस आई पुट माई प्लान्स एंड द प्लान सजेस्टेड बाई अदर्स इन टू पॉजिटिव एक्शन नो डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इन माई लाइफ। फिर नूतन बोलेंगे आई कैन डेवलप, आई विल डेवलप एंड आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक माई लाइफ अ ग्रेट सक्सेस। नूतन को अगर ये बात हिंदी में बोलनी है तो वो हिंदी में भी बोल सकती है, नूतन कहेगी मैं इस दुनिया में एक ही व्यक्ति हूं जो खुद की मदद कर सकती हूं, दूसरों द्वारा दी गई हेल्प मेरे लिए बोनस हेल्प होगी, ये इसलिए क्योंकि जब तक मैं मेरे प्लान्स और दूसरों द्वारा दिए गए प्लान्स को पॉजिटिव एक्शन में नहीं उतारूंगी मेरी लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं आएगी। मैं डेवलप हो सकती हूं, मैं डेवलप होंगी, मैं सब कुछ करूंगी जो मैं लाइफ को एक ग्रेट सक्सेस बना दे। देखिए इस तरीके की मिरर एक्सरसाइज अगर आप अपने नाम से भी करते हो तो आपके अंदर डेफिनेटली डेवलपमेंट आएगी। सर जब 100 ऑडियंस 1000 ऑडियंस सामने होती है तब जरूरी ये डगमगाता है हमारा कि टकमगा जाते हैं हम। हाँ। बिल्कुल सही बात है आपकी कि मेरे साथ भी कई बार ऐसे चांस होता है जब मैं 2000 लोगों के सामने मेरे को बोलने का मौका मिलता है, तो जब मेरे साथ पहली बार ऐसा मौका हुआ था तो मैं भी थोड़ा फंबल हो गया था, थोड़ा सा ट्रेम्बल हो जाता है बड़े बड़े व्यक्ति, तो मुझे लगा था ऐसा कि भाई ये वाकई में कॉम्प्लिकेटेड, मगर उस समय ना आपने साहस को मेंटेन करो और आपकी वॉइस को थोड़ा सा बोल्ड और कीजिए, कोई वॉइस की टोन तो आपके हाथ में है ना, जब आपकी वॉइस की टोन अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस उसको अच्छा फील करेंगे और वो कहेंगे कि कंफर्टेबल जोन में मानेंगे अपने आप को और उनको लगेगा कि हाँ भाई हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर ही जाएंगे यहाँ से, तो उनको ये विश्वास दिलाना और कुछ आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे मैं जब इंग्लिश ऑडियंस को हैंडल करता हूँ तो आई स्पीक ऑन इन इंग्लिश, और जब मेरे सामने अगर पंजाबी ऑडियंस है तो मैं कोशिश करता हूँ उसे पंजाबी में बात करूँ, तो डिपेंड करता है आपका ऑडियंस कैसा है, अगर आपका ऑडियंस जैसा हो वैसे की वैसी पर्सनैलिटी आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। सर जैसा कि ये देखा है कि इंग्लिश का फोबिया है सभी के सामने बोलने का, हिंदी में बोल सकते हैं बट इंग्लिश में बोला नहीं जाता, किसी के सामने खुद बोल सकते हैं बट कोई ऑडियंस बैठे हैं लोग तो उनके सामने इंग्लिश बोलना थोड़ा हार्ड लगता है, तो उसको कैसे? ओके, यू मीन टू से जब ऑडियंस कोई बात पूछ ले तो प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो हम इंग्लिश बोल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी किसी के सामने इंग्लिश बोलना और उस व्यक्ति के सामने बोलना जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है वो हमारे लिए थोड़ा सा फोबियामेटिक रहता है, हमें ऐसा लगता है यार वो हमारी कमियाँ ढूंढेगा, राइट? तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कीजिए, आप सबसे पहले अपना एक फ्रेंड बनाइए, वो है आपका फ्रेंड मिरर, आप उसके सामने जितनी बातें करनी है कर लीजिए, उसके बाद अपना ऐसा फ्रेंड बनाइए जो एटलीस्ट आपका वेलविशर बहुत क्लोज हो, यानी कि आपका कोई रिलेटिव, आपका मदर, आपके फादर, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, वहाँ से शुरुआत होती है आपकी बाहर की दुनिया की, फिर आप बाहर निकलिए और फिर आप एक ऐसा फ्रेंड बनाइए या जैसा आपने बोला पार्टनर्स बनाइए जिसके अंदर आप इंग्लिश बोलिए,
हाँ जब आप इतने लोगों को कवर करते हुए ऑडियंस के पास जाते हो तो कम चांसेस रहते हैं कि आपको घबराहट होगी, आपको घबराहट बिल्कुल नहीं होगी और आपको खुद को महसूस होगा कि सर नाउ आई एम कंफर्टेबल विद ऑडियंस। और जैसे आप हिंदी इजीली बोल पाते हैं, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं आज हम ऑडियंस के साथ में, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से हम हिंदी में बात कर रहे हैं उसी तरीके से इंग्लिश है। अगर हम इंग्लिश में भी इतने कंफर्टेबल हो जाएं तो हमारी इंग्लिश ऑटोमेटिकली हमारी टंग पर आ जाएगी और उसको टंग पर लाना जरूरी है। और टंग पर लाने का एक ही तरीका है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आप फ्री बैठे हो, जब आप अलोन बैठे हो, तब आप लाउड रीडिंग कीजिए, अपने ईयर्स को मौका दीजिए सुनने का इंग्लिश। जब आप लाउडली बोलोगे तो आपकी टंग फेमिलियर हो जाएगी इंग्लिश बोलने की। और इवन न्यूज़पेपर्स वगैरह भी अगर आप पढ़ते हो तो आप लाउडली रीड कीजिए। अगर आप लाउडली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपकी सारी सेंसेस अटेंशन हो जाती है उस चीज़ के ऊपर। इवन आपने देखा होगा जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो कई बार लाइंस में लिखा हुआ होता है कि आप इस स्तोत्र को जोर से बोलिए, आप इस किलकम स्तोत्र को बहुत जोर से बोलिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो कैसे बेनिफिट होगा? वो एक ही तरीके से बेनिफिट है कि वो हमारी सारी सेंसेस को कवर करता है। अदरवाइज देर इज नो ऑप्शन, आप मन में कीजिए क्या प्रॉब्लम है, मगर ये बेनिफिट है, यानी कि हमारी ऑडियंस हमारी सारी सेंसेस को कवर कर रहा है तो हमें बेनिफिट। एनी मोर पॉइंट्स यू वांट टू शेयर ऑन विद ऑडियंस? कोई आप कोई बात करना चाहते हैं ऑडियंस वगैरह को? सर ओके, इट्स वेरी हेल्दी डिस्कशन। यस सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि टेंसेस इंपॉर्टेंट और टेंसेस से इंग्लिश सीखी जाती थी, बट जो सर ने बताया और जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे उसके अकॉर्डिंग अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को और अच्छा कर सकते हैं और अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं जिससे अपने फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके। तो मैं बस यही है, जो आपने लेक्चर दिया बहुत बेस्ट। ओके नूतन, आपको क्या लगता है कि आपकी प्रैक्टिसिंग कैसी चल रही है? आप वाकई में वो सब अप्लाई करते हैं ऑलरेडी? यस सर, मैं अप्लाई करती हूँ, जैसे कि मिरर एक्सरसाइज, डेली डेली वर्ड मीनिंग याद करना, टेंसेस पढ़ना, स्ट्रक्चर पढ़ना, डेली रूटीन में थोड़ा बहुत स्पीक करना। ओके, यू आर ट्राइंग नो योर बेस्ट। अतुल जी, आप क्या कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए ताकि ऑडियंस बिल्कुल वही करे और इंग्लिश अपनी भी इम्प्रूव कर पाए? मैं डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको डेली वर्ड्स को यूज करूँ बोलने के अंदर, राइट। लेकिन मेरा बीच में थोड़ा ब्रेक लग जाता है जिसके कारण से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं रेगुलर इतना ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ग्रो कर पाऊँ इसको रेगुलर। ओके, देखिए ऑडियंस, मैं लास्ट में आप लोगों से एक बात बहुत अच्छी शेयर करना चाहूँगा कि मेरी कुछ स्टूडेंट्स ऐसी भी हैं जो जब वो घर पे इवन दे आर नीडिंग द डॉ, यानी कि जब वो आटा गूंद रही है उस दौरान भी वो कानों में ईयरफोन लगाकर हमारे YouTube लेक्चर्स को सुनती है। और उन लोगों ने मुझे कई बार तो ये भी बोला कि सर हम ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं तो भी हम आपके लेक्चर को सुन रहे हैं, हम कोशिश करते हैं हम अपने कानों में लगा लेते हैं ईयरफोन और हम आपका YouTube चैनल लगाकर हम आपके वीडियो सुनते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम ग्रूम अप हो रहे हैं और हम डेवलप हो रहे हैं। तो देखिए, जब इतना जुनून आपके अंदर आ जाए जिस दिन, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुझसे मिलकर इंग्लिश सीखो, आप इन वीडियोज़ के थ्रू भी सीख सकते हैं, मगर इतना जुनून चाहिए। जब आपके अंदर इतना जुनून आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और मैं आपकी पर्सनालिटी के लिए बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में इंग्लिश सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस साल नहीं सीखते, इस मंथ नहीं सीखते तो आपको नेक्स्ट मंथ जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ नहीं तो नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर नहीं तो 10 ईयर्स बाद में आपको कहीं ना कहीं लाइफ के दौर में ऐसा जरूर लगेगा कि मुझे इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। क्योंकि चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकर हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपके लिए इंग्लिश बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये इंग्लिश ही आपकी पर्सनैलिटी को रेस करेगी आने वाले टाइम के अंदर। जब आप जॉब लेने जाएंगे तो आप देखिएगा ये बात, आप हमारी बात को जरूर रिकॉल करेंगे कि सर ने एकदम सही कहा था कि अगर मैं उस दौरान इंग्लिश के ऊपर वर्क कर लेता तो आज मेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा रेस हो जाती। और अगर आप आज से ही लग जाओ तो बेस्ट है। अभी मैं कहता हूँ इस ईयर के 2 मंथ्स पड़े हैं हमारे पास, अक्टूबर पूरा है, हमारे पास सेप्टेम्बर पूरा, अक्टूबर नवंबर पूरा है, हमारे पास दिसंबर पूरा है, हमारे पास 3 मंथ्स अभी भी है। आप स्पेयर कीजिए 3 मंथ्स, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप 3 मंथ्स के लिए पीडी क्लासेस पे आइए, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस है, हमारे पास ऑलरेडी ऑशन है, पूरा दिन बैचेस है। हम ये चाहेंगे आप 3 मंथ्स हमारे वीडियोस को दीजिए, आप आदत डालिए कि मेरे को एक दिन में 3 वीडियो जरूर कवर करने। आप एक दिन में 3 वीडियो कवर करेंगे तो भी हमारे सारे लेक्चर्स 3 महीने के अंदर नहीं सुन पाएंगे, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ऑलमोस्ट आप सारे लेक्चर्स कवर कीजिए इस ईयर के अंदर अंदर, क्योंकि हमारे वीडियोस डेली बढ़ रही है। अगर आप रोज़ एक पढ़ेंगे तो हमारे लेटेस्ट भी देख पाओगे, पुराने वाले नहीं देख पाओगे। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप होप यू विल ट्राई योर बेस्ट, और हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।